हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था बीईओ के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बीईओ एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली हम लोग करेंट अफेयर्स करेंगे और इसके अलावा हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो आने के आपके एग्ज़ाम में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि मैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, जिसमें 120 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे डेली तो नहीं, हर 2-3 दिन में मैं आपके लिए फुल लेंथ भी टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रधान सचिव के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव कुमार को चूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया है। तो ये हैं हमारे जॉर्ज फर्नांडिस। और जो भी आप लोगों को करंट अफेयर बीईओ के एग्ज़ाम के लिए करने हैं वो ऑलमोस्ट 1 साल का होना ही चाहिए। जैसे कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम है तो आपका जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर आपके पूरे प्रिपेयर होने चाहिए। 19 से 20 तक के पूरे करंट अफेयर्स आपके मस्त होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको जो पैकेज होगा करंट अफेयर का, जिसमें आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि बीईओ के यूपी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वो आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम अभी लेकर आऊँगी। इसके लिए चैनल से हमारे जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है साइंस के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहसंयोजकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सहसंयोजक जो होते हैं वो अभिक्रिया तेज करते हैं, ये सही नहीं है। बाकी तीनों, क्योंकि यौगिक सामान्यता ये जो द्रव और गैस दोनों होते हैं, क्वथनांक और गलनांक इनके अल्प होते हैं, अभिक्रिया मंद होती है, ये तीनों करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें पॉइंट, भारत में पहली जूट मिल 1885 में सिरसा में स्थापित की गई थी और विभाजन के बाद जूट उत्पादन का क्षेत्र 2/3 भाग बांग्लादेश में चला गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि पहली जो मिल है वो सिरसा में ही स्थापित की गई थी और विभाजन जब हुआ था तो उसका 2/3 क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया था। विधायिका की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। तो विधायिका की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो होती है कानून का निर्माण करना, कानून का बनाना विधायिका का मेन कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ। ये हुआ था 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कथन इसमें, ये पेंटिंग वैष्णव परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती थी। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है, ये जो पेंटिंग है ये वैष्णव परंपराओं के इर्द गिर्द ही घूमती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये पेंटिंग चमकीले रंगों से प्रतिष्ठित थी, तो बिल्कुल गलत है। और इन चित्रों में महाराजा संसार चंद ने संरक्षण दिया था, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट के अधिनियमन के चरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है, अनुदान की मांग पर विनियोग विनियत पारित होने के बाद मतदान किया जाता है। तो ये वाला जो कथन है ये बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है, अनुदान पर मतदान का लोकसभा के पास अन्य विशेषाधिकार है। तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें केवल 1 ही हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति की दर का उल्लेख करने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, इसे WPI भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार की बैटरियों में किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार की बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2019 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2019 का आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ये किया गया था ओशाका जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2019 को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया था गुजरात राज्य की पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहला जो हमारा ऑप्शन है, तुर्की के शासन की स्थिति को बहाल करने के लिए अपील करना। नेक्स्ट, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार और पंजाब में अन्य हिस्सा का बदला लेना, ये भी सही है। भारत के लिए स्वराज को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो इसमें से उपरोक्त सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य है? तो द्रव चलित कार्य है, सही। शरीर के तापमान का विनियमन, ये भी सही है। अपशिष्ट को हटाना, ये भी सही है। तो द्रव का उपरोक्त सभी कार्य सही है, मतलब कि ये तीनों कार्य द्रव द्वारा किया जाता है, रक्त द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में डैश होता है? तो इसमें होता है हीमोसील, माने रक्त गुहा। जो खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर होते हैं उनमें रक्त गुहा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए संपूर्णतः आदर्श होती है? तो बाढ़ की जो मिट्टी होती है वो धान की खेती के लिए पूर्णतः आदर्श मिट्टी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सा भिन्न नामों से जाना जाता है? जैसे रेह कलर USAR, तो ये कहा जाता है नमकीन या क्षारीय मिट्टी को। नमकीन क्षारीय मिट्टी को रेह कलर और USAR भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRNSS श्रृंखला के उपग्रहों का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर शुरू किया गया था? तो ये किया गया था PSLV का उपयोग करके शुरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य क्षेत्र आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। और भारत के सभी उच्च न्यायालयों की तुलना में बंबई उच्च न्यायालय में अनुमोदित न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये गलत है। तो इसमें केवल एक आंसर बिल्कुल सही है आपका। तो आज के जो जीके के क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा, आज तो ये पहली वीडियो सीरीज़ है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने आने बाकी हैं, तो इसके लिए चैनल को देखते रहिए ऐसे ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।